सभी साथियों को नमस्कार, सभी युवा साथियों को नमस्कार। आज हम लोग बैठे हुए हैं प्रमोद लड्डू भंडार के पाप्रिका में और आज हम लोगों ने ये फैसला किया है कि शहीद भगत सिंह के बलिदान दिवस पर 23 मार्च को गया जिला में ब्लड डोनेशन का एक महाअभियान चलेगा, जिसमें आप सभी युवा साथियों को मैं निशांत कुमार अपने तरफ से आमंत्रित कर रहा हूँ, आपको पुकार रहा हूँ, आप इसमें जरूर आए। और अगले 2-4 मिनटों में 5 मिनटों में आप अपने सबसे प्रिय, दिल के सबसे नज़दीक जो भी शिक्षक होंगे, मैं नहीं होऊंगा, जो भी आपके प्रिय शिक्षक होंगे आप उनको इस वीडियो में देखने वाले हैं, तो एक एक करके मैं आपको सबसे मिलवाता हूँ। मैं प्रमोद कुमार भदानी, प्रोपराइटर प्रमोद लड्डू भंडार, आप शहर के सभी गयावासियों से निवेदन करता हूँ कि आप आए और अधिक से अधिक संख्या में ब्लड डोनेशन करके इस नेक कार्य में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें और मानव हितों की रक्षा के लिए, वैसे लोगों के रक्षा के लिए जो जिस समय रक्त की आवश्यकता होती है उनको नहीं मिल पाता है, वैसे आवश्यकता की पूर्ति हेतु आप अपना सहयोग जरूर करें। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, मायसेल्फ डॉक्टर आर के अग्रवाल, डायरेक्टर अग्रवाल कॉमर्स करियर। मैं सभी गयावासियों से निवेदन करना चाहूंगा कि रक्तदान महादान के इस अभियान में यूथ ब्रिगेड, भगत सिंह यूथ ब्रिगेड को जरूर सहयोग करें। 23 मार्च को अपना अमूल्य और कीमती समय देकर और रक्त देकर यश के भागी बने और समाज के प्रति अपना एक कंट्रीब्यूशन जरूर करें। थैंक यू वेरी मच। सभी साथियों को इनकलाब जिंदाबाद। और शहीद भगत सिंह यूथ ब्रिगेड का संरक्षक होने के नाते आज 23 मार्च को जो ब्लड डोनेशन कैंप लगेगा, सभी साथियों से अनुरोध रहेगा कि आज के बैठक में सारे शिक्षक का जो हमें हौसला मिला है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस बार गया का जो रक्तदान शिविर जो लगेगा वो एक बहुत बड़ा मेगा कैंप के रूप में देश भर में उभर करके आएगा। इसलिए सभी से निवेदन रहेगा कि सब कोई रक्तदान के मुहिम में आगे आए और रक्तदान करें। नमस्कार साथियों, मेरा नाम सोनी कुमार वर्मा, संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष शहीद भगत सिंह यूथ ब्रिगेड। आप सभी गयावासियों से निवेदन करता हूं कि 23 मार्च 2023 को भगत सिंह यूथ ब्रिगेड के नेतृत्व में गया जिला में 13 जगहों पर विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। आप अपने नज़दीकी रक्तदान शिविर में रक्तदान करके गया का मान सम्मान बढ़ाएं। धन्यवाद। चलिए देखिए, हमारे सबसे प्रिय जुबैर सर। मैं जुबैर खान, आप सभी से निवेदन करना चाहता हूँ कि शहीद भगत सिंह ब्रिगेड ने जो प्रोग्राम स्टार्ट किया है 23 मार्च को रक्तदान, इसमें आप जरूर भाग लीजिए। एज ए बायोलॉजी टीचर मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि यह प्रूव हो चुका है, WHO ने यह कहा है कि जो लोग रक्तदान करते हैं उनको 28 बीमारियों में से छुटकारा मिलता है। जो लोग रक्तदान करते हैं उनके शरीर में रक्त के निर्माण का रेट तेज हो जाता है। जो लोग रक्तदान करते हैं उनके रक्त में पाया जाने वाला जहर बड़ी आसानी से किडनी द्वारा फिल्टर हो जाता है। इसलिए यह समाज के लिए तो अच्छा ही है लेकिन आपके लिए भी बहुत अच्छा है। मैं भी रहूंगा 23 मार्च को और मेरी निगाहें आप सब पे रहेंगी कि मेरा कौन कौन पहले का स्टूडेंट आज का स्टूडेंट है। प्रमोद लड्डू मंडा पब्लिका में आइए या होटल सम्राट इपिया में आइए या डेल्हापुर संस्कृत कॉलेज में आइए, मैं तीनों जगह पे रहूंगा और मैं देखना चाहता हूं कि मेरे कौन कौन स्टूडेंट वहां पे रहेंगे। क्या बात है, क्या बात। नमस्कार साथियों, मैं SRSAI स्कूल ऑफ फिजिक्स, 23 मार्च को शहीद भगत सिंह यूथ ब्रिगेड के द्वारा ब्लड डोनेशन कैंप लगाया जा रहा है। इस महादान में आप सभी की भागीदारी तय हो, हमारी आपकी सबकी भागीदारी तय हो और पूरे गयावासी लोग, बड़ी जनसंख्या में ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें आएँ और ब्लड डोनेशन में भागीदारी तय करें। शुक्ला सर। मैं लक्ष्मी नारायण शुक्ला, शुक्ला केमिस्ट्री क्लास है JP कॉलेज। हमारे तमाम विद्यार्थी जो पहले मेरे से पढ़ाई कर चुके हैं, जो कर रहे हैं या जितने भी मेरे रिलेटिव्स हैं और हमें जानने वाले हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि 23 मार्च को, अभी कुछ दिन बचे हैं, उनमें निम्नलिखित संख्या जो लास्ट में जो आपको इस वीडियो के बाद दिखाया जाए कहां कहां ब्लड डोनेशन कैंप लगेगा, वहां उपस्थित होकर अपना ब्लड डोनेशन करें और अपने साथ कम से कम एक लोगों को लाने का कोशिश करें। धन्यवाद। बहुत सुंदर। जितेंद्र सर। मैं जितेंद्र कुमार सिन्हा, डायरेक्टर होजन कंप्यूटर एजुकेशन। मैं सभी छात्र छात्राओं से अनुरोध करता हूँ कि गया का मान सम्मान के लिए बढ़ चढ़ के रक्तदान शिविर में शामिल हों और बगल में ही होटल सम्राट है, वहीं सब प्रेजेंट रहें और हम भी वहीं प्रेजेंट रहेंगे। क्या बात है, बहुत सुंदर सर। पटेल सर। मैं संजीव पटेल, फ्यूचर फाउंडेशन
मैं सभी बच्चों को अनुरोध करता हूं कि रक्तदान महादान में आप सभी लोग यहां पर उपस्थित रहें और गया के सभी शहर के वासी जो 18 साल से ऊपर हैं वो आकर के अपना रक्तदान महादान में सब अपना सहयोग दें और इसको जो आपके प्रमोद जी हैं और निशान जी हैं ये इनका जो चलाया गया है रक्तदान महादान का उसमें आप लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें। बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। क्या तूफान बाबू आ गया? नमस्कार, मैं तूफान सर, तूफान इंग्लिश गया। सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ शहीद भगत सिंह यूथ ब्रिगेड को जिन्होंने आज मुझे यहाँ पे लोगों से मिलने का, मुलाकात कराने का मुझे मौका दिलाया। और जहाँ तक रहा ब्लड डोनेशन का, तो हमारा जो भी वीडियो देख रहे हैं, पहले वाले जितने भी स्टूडेंट पढ़ चुके हैं हमारे से, अदरवाइज जो भी हमारे रिलेशन में हैं, अदरवाइज मुझे जानते हैं, अगर जो ये वीडियो आप लोग सुन रहे होंगे तो प्लीज़ आप 23 तारीख को आना ना भूलें। जहाँ भी एड्रेस आप लोगों को बताया जा रहा है वहाँ पे आने का प्रयास करेंगे और आप अपना बहुमूल्य समय निकाल करके ब्लड डोनेशन करिएगा और इस मगध के क्रांतिकारी क्षेत्र से इस तरह से हम लोग क्रांति करके बन करके उभरेंगे। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, मैं राम लखन कुमार, ब्राइट इंस्टीट्यूट, शहीद भगत सिंह यूथ ब्रिगेड में जो रक्तदान जो किए जा रहे हैं इसमें मैं बढ़ चढ़ करके भाग लूँगा और मैं और जो भी मेरे सीनियर स्टूडेंट जो रह चुके हैं वो भी रक्तदान में जरूर भाग ले। थैंक यू। रविंद्र सर प्लीज। मैं रामेंद्र कुमार सिन्हा, डायरेक्टर रॉयल पोर्ट नेशनल सेंटर। मेरे प्यारे बच्चों, अभिभावक, इस गया के वासियों, देश की असली सेवा करने का एक भी मौका होता है। 23 तारीख को होने वाले रक्तदान के दिन आप सभी बच्चों, सभी अभिभावक आकर अधिक से अधिक संख्या में रक्तदान करें। जय हिंद, जय भारत। क्या बात है, बहुत सुंदर सर। दीपक सर। जय हिंद साथियों, मैं 23 मार्च को रक्तदान शिविर में पर्सनल भाग लेने वाला हूं। मैं अनुरोध करता हूं कि आप सभी जो मुझसे रिलेटेड हैं या फिर जो भी चेतना में भाग लेना चाहते हैं सारे लोग मुझसे जुड़े और मैं और निशान सर ये भी आने वाले हैं साथ में। चलिए, बहुत सुंदर। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी आए और पूरे भाग लें। चलिए, बहुत थैंक्स। बहुत अविनाश सर। नमस्कार साथियों, मैं अविनाश शर्मा, अविनाश इंग्लिश क्लासेस से। 23 तारीख राजगुरु भगत सिंह सुखदेव के कुर्बानी दिवस पर हम लोग भी कम से कम अपना ब्लड डोनेट जरूर करें और उस दिन मैं खुद ब्लड डोनेट करने वाला हूं। आप लोग भी आइए, जितने लोग सुन रहे हैं शायद आपका ब्लड से किसी का जीवन बच जाए, बस यही कहना चाहता हूं। आपका कुछ नहीं जाएगा, आपको बस फायदा होगा। जय हिंद। बहुत सुंदर। मंजूर सर। हेलो साथियों, मैं डॉक्टर मंजूर, मंजूर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट से। आज का दिन बहुत ही शुभ है। मैं आप सभी साथियों से कहना चाहूँगा कि प्लीज़ आप सभी लोग 23 मार्च को ज़रूर आएँ ब्लड डोनेशन कैंप में जो शहीद भगत सिंह युवा ब्रिगेड करने जा रहे हैं। स्पेशली मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, इफ़ यू वांट टू डू समथिंग फॉर द नेशन ट्राई टू गिव ब्लड एंड शो योर डेडिकेशन। थैंक यू। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश कुमार, BITGS क्लासेस डेल्हा ब्रांच से। मेरे दोस्त, 23 मार्च को शहीद भगत सिंह सुखदेव राजगुरु की शहादत दिवस है। जिस तरह से भगत सिंह राजगुरु सुखदेव ने अपनी शहादत दी थी, आज हमारा समय आ गया है कि उनकी श्रद्धांजलि को एक यूनिट ब्लड देकर उनको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करें। दर्रो दीवारों पर ये अफसाना करते हैं, खुश रहना अहले वतन, अब हम तो सफर करते हैं कहकर जिस तरह से भगत सिंह ने फांसी पर चढ़ा, आज एक यूनिट ब्लड देकर उनकी असली श्रद्धांजलि 23 मार्च को डेल्हा पर संस्कृत कॉलेज के समीप वहीं पे कैंप लग रहा है, वहां पर जाकर हम लोग करेंगे। सबसे पहला यूनिट ब्लड मैं दूंगा, उसके बाद आप लोग हम मेरे स्टूडेंट सारे देंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेमकर भास्कर, BITGS से अभी हूँ और मैं बता दूंगा आपको, एक सूचना दे दूं कि शहीद भगत सिंह को याद में 23 तारीख को ब्लड डोनेट किया जा रहा है। तो आप अपने क्षेत्र में जहां भी आपके शिविर नज़दीक पड़ती है वहां पे आप आएँ और ब्लड दें। और ज़िंदगी में सबसे अगर अमृत चीज़ अगर बांटना होता है साहब, तो कोई अमृत चीज़ वो दूसरी चीज़ नहीं है, वो ब्लड है। आप अपना एक ब्लड दे करके, थोड़ा सा ब्लड दे करके आप किसी का जीवन बचाइए और ये यश की भागी बने। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सुंदर सर। प्यारे बच्चों, सभी को नमस्कार। और जैसा कि शहीद भगत सिंह यूथ ब्रिगेड की तरफ से एक कैंपेन चलाया जा रहा है, तो सभी से नम्र निवेदन है कि आप लोग जरूर इसमें जुड़ें और भारी से भारी संख्या में आएँ। हम लोग भी वहाँ मौजूद रहेंगे, तो उम्मीद है आप लोग जरूर आएंगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। नमस्कार साथियों, मैं अवधेश सर, रेडियंट कॉम्पिटिटिव मैथ, मानपुर गया।
आपका अपना शहर मानपुर में 6 लेन पुल के निकट पल्स जिम के पास 23 मार्च को ब्लड डोनेशन होने जा रहा है। मैं भी वहां उस दिन आऊँगा, आप भी आइए, अपने दोस्तों को लेकर के आइए और सभी लोग आकर के ब्लड डोनेट कीजिए और अपनी गया को नंबर वन बनाइए। थैंक यू, धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हेलो, नमस्कार। सभी विद्यार्थियों से आग्रह है कि महारक्तदान शिविर पल्स जिम 6 लेन पुल के निकट है। जितने भी विद्यार्थी जो अपने जॉब भी कर रहे हैं और जो पढ़ाई भी कर रहे हैं, हर चीज दान देना उचित है, लेकिन रक्त दान देना ही महारक्तदान है। इसको आप लोग दे करके दूसरे के जीवन के भाई बने। धन्यवाद, बहुत सुंदर। नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष कुमार दुबे, गुरुकुल इंग्लिश क्लासेज, बड़की डेला बस स्टैंड। आज मैं आपसे निवेदन करता हूं, आग्रह करता हूं कि जितने मेरे रिश्तेदार हो, विद्यार्थी हो, मेरे प्रिय दोस्त हो, सभी लोग आइए 23 मार्च को डेल्हा पे संस्कृत विद्यालय के पास। मैं आ रहा हूं रक्त देने, एक बार पुनः मैं आ रहा हूं रक्त देने, और आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए संस्कृत विद्यालय के कैंपस में। धन्यवाद, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैं विपिन कुमार, विपिन मोबाइल डायरेक्टर एंड ऑनर एंड कंपनी का। मैं सारे मोबाइल दुकानदार साथियों से अनुरोध करता हूं कि 23 मार्च को रक्तदान करें और जरूर करें। बहुत सुंदर। स्वराज सर। जी सर, जी। मैं सुरेंद्र स्वराज, डायरेक्टर स्वराज इंग्लिश क्लासेस। गया शहर के तमाम शिक्षक मित्रों एवं छात्र एवं छात्राओं से आग्रह करना चाहता हूँ कि आगामी 23 मार्च को रक्तदान शिविर में आकर रक्तदान करने का कष्ट करें। इससे आपका इंसान होने का फर्ज पूरा होगा और इंसानियत को जिंदा रखने में आप एक अहम भूमिका निभाएंगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो दोस्तों, ये आज हम लोग इस महफिल में हैं और सभी लोग अभी एक ग्रुप फोटो में आ जाएंगे और आप सबको एक साथ देखेंगे। सर प्लीज चलो चलो चलो। तो आपके गया के जितने भी प्रिय शिक्षक हैं और जिनको भी आप मानते हैं दिल से, सभी शिक्षकों ने आपसे आह्वान किया है कि भगत सिंह के शहादत दिवस पर रक्तदान करें, महादान करें और समाज के लिए कुछ भी करें। बहुत ही सुंदर महसूस होता है। क्या बनाया गया? थोड़ा सा सर और फैल जाएंगे। हम आ जा रहे सर, आ जा रहे, आ जा रहे सर। जी जी जी।